हेलो गाइस, मैं हिमांशु, आप देख रहे हैं हमारा चैनल नेक्स्ट नाइन लाइव। वेल, पहली बार एक ऐसी मूवी आ रही है जो कि काफी ज्यादा अलग, और ये कह सकते हैं कि हर एक रैपर के लिए काफी ज्यादा इंस्पिरेशन वाली मूवी हो सकती है। और साथ ही इस मूवी के थ्रू जितने भी रैपर्स हैं उन्हें खास पहचान मिलने वाली है, और कहीं ना कहीं जो छुप गए थे रैपर्स उन्हें भी एक खास पहचान मिलेगी ओनली बिकॉज ऑफ दिस मूवी। वेल, आप बता दें आप सभी को, एक ऐसी मूवी जिसमें है रणवीर सिंह, जी हाँ, जो कि अपनी दमदार एक्टिंग के थ्रू इन दिनों काफी चर्चाओं में बने हुए हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर गली बॉय की। जी हाँ, एक ऐसी मूवी जो कि बेस्ड है बहुत ही फेमस रैपर डिवाइन पर। बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसका ट्रेलर लॉन्च हुआ है, साथ ही साथ हाल ही में ही रखा गया है इसका ट्रेलर लॉन्च का इवेंट, जहां पर आलिया भट्ट, फरहान अख्तर और इस फिल्म की डायरेक्टर और जिन्होंने ये मूवी लिखी है जोया अख्तर, बड़े शानदार तरीके से ये लोग नजर आए हैं। ढेर सारी बातें करी है इन्होंने मूवी को लेकर, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से रैप भी गाई है, चाहे वो रणवीर हो, आलिया हो या फिर बाकी के रैपर्स ही क्यों ना हो, हर किसी ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रमोट करी है मूवी को। और खासकर की जिस तरीके से इसमें आलिया भट्ट का रोल है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। चलिए आप सभी को सुनाते हैं क्या कुछ करे हैं मीडिया ने सवाल, और किस तरीके से दिया है रणवीर और आलिया ने उनके हर एक सवाल का जवाब। मैं बोल देता यार, लाइव हो रहा है, बच्चन बंद करता, कमाल है यार, डीसी बंद करता मैं। Congratulations for your film entering to Berlin Film Festival. Thank you. My question is for you, Zoya ma'am. As we all know, Ravi's relentless energy and high vibe. Was it difficult for you to calm him down in this movie? No, it's not difficult because Ranveer, so you have to allow that. Yeah. And Ranveer, how was the process? Like, who is this kid? And we're really happy that, you know, we have a very wholesome album that we're very excited to present. Astay, do you feel that affluence or being rich help in basically making your talent brighter and putting that out in the world? Does that help? Getting infected with my high eyes. Exactly. Do you want help in holding the camera? No. So my question is, do you think that being rich basically helps your talent to shine brighter because you have certain comfort, and like a person who is not that rich may have to find other things to basically the struggle. Make their talent. Are you talking rich and talent wise? Yes. Hi, Ranveer, Pooja here from India News. आपने इतनी सारी रैपिंग सीखी, अपने वाइफ के लिए, दीपिका के लिए कुछ रैप बनाया है आपने? हाँ, वो तो मैं उनके लिए स्पेशल सोलो शो दूंगा। उनकी रिएक्शन कैसी थी ट्रेलर और मूवी देखी? ट्रेलर उन्होंने देखी नहीं है, टीजर देखा था, उनको बहुत पसंद आया। रणवीर जी, जी जी, ये जानना चाहूंगा आपसे कि जैसा कि आपने ट्रेलर में भी बताया एंड रियल लाइफ में भी आपसे जानना चाहूंगा कि जैसा कि आपने बताया कि हम सभी जानते हैं एक्टर, तो पूरी दुनिया में कोई ऐसा है जिसे आप बताना चाहेंगे कि एक्टर बना हूं मैं अपने दम पे, तूने तो कपड़े पहने अपने बाप के पैसों से, तो किसी को आप ऐसा कहना चाहेंगे? ओहो, फिलहाल तो ट्रेलर के अंत में मैंने उस रैपर को बोला था जिसको मैंने रैप, जो कि मैंने नहीं लिखी है, लेकिन क्रेडिट लेने में क्या जाता है। Give you all the things. There are 18 pieces on the album, which are background and songs. I mean, two of them are poems, and one of them is a reprise, a beatbox version of another track. So the 18 pieces. Hi everyone, Vivek here from Akkad Bakkad Bombay Bomb. Hi, what's up? हाँ, कहाँ से आया? अक्कड़ भी, बक्कड़ भी, बम्बई भी, वो भी। So भाई, अब ट्रेलर जैसे कि था तो मैंने कुछ लिख दिया ऐसे बैठे-बैठे कि कि ट्रेलर था कमाल, बाबा ने मचा दिया बवाल, अब बॉक्स ऑफिस पे होगा धमाल। क्या बात है, ओहो, बहुत हार्ड पड़ता है ड्रॉपिंग देम बार्स, सो फ्रीस्टाइल है राजा। तो मेरा सवाल है जोया मैम से, मैम मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसा कि हमने ट्रेलर में देखा कि सिद्धांत चतुर्वेदी जो कि एक कैरेक्टर है, जो कि उन्होंने, मैंने उनको देखा था फर्स्ट टाइम इनसाइड एज नाम के एक वेब सीरीज में, जो कि काफी इंट्रोवर्ट टाइप का लड़का था, वो पूरे सीरीज में हमने देखा था, और सडनली ट्रेलर में वो कोई येड़ा वाला लड़का, जो येड़ा सा होता है कि ये लड़का में येड़ा उस टाइप का था, तो कैसा उनको अपने कन्वर्ट किया इंट्रोवर्ट से होते हुए वो येड़ा वाले ट्रिप में लाने के लिए? उनको ज्यादा कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं थी, उनका दिल धड़काने वाला है, वाह। मेरा क्या लगता है मैं क्या करता था?
जो मैंने धोपता है इस फिल्म में, जो धोपतोगी ना उसको, धोपतोगी ना इसको, मैंने कभी लाइफ में नहीं किया है. So if you all know what that means, then you all probably get a hint of what I'm saying. छोटी तू बहुत एक सेकंड, only एक सेकंड. स्लम डॉग मिलियनेयर बनी थी, अनुराग कश्यप की अलग फिल्में होती हैं, करण जौहर की अलग फिल्में होती हैं, लेकिन ये एक ब्यूटीफुल संगम है. ये लड़की स्कार्फ पहनती है लेकिन ये बहुत बिंदास कस्म की लड़की है. बात गलियों की हो रही है लेकिन एक ऑप्टिमिज्म है, एक 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 अजीब सी जिद है, विच इज़ वेरी नाइस टू सी. आपने कुछ स्टीरियोटाइप्स भी इसमें चैलेंज करने की कोशिश की है. पर्सनल होम स्पेस, देयर सोशियो इकोनॉमिक स्पेस. But there is no cynicism and there's music and they are out there to change the world. And that is very contagious. That's the point. You can find hope everywhere and joy everywhere, and they are artists. So they have that dream of changing tomorrow. And that's what I hope to capture. मेरा सवाल फरहान, जिस तरह से ये फिल्म है, कमर्शियल है और काफ़ी हिट होगी, आप लोगों को भी लग रहा है, लेकिन इस फिल्म में गोया है. लेकिन इसका क्या मतलब है कि आप लोगों को लग रहा है? आप लोगों को नहीं लग रहा? बड़े ही कॉन्फिडेंट लग रहे हो तुम. नहीं, हम सबों के रिएक्शन से आप लोगों को लग ही रहा है, लेकिन जिस तरह से दोया है और जिस तरह से इसे इंटरनेशनली काफी अच्छी जगह मिली है, तो क्या आप लोग इस बार जो ऑस्कर की एंट्री होगी उसके लिए इस फिल्म को सोच रहे हैं? हाँ, हम कुछ ज़्यादा दूर निकल गए इस वक्त करेंगे, ये सब देखा जाएगा. फिर उसके बाद ऑस्कर ऐसी चीज़ होती है, मतलब एक कमेटी है जो डिसाइड करेगी. हम सिर्फ उम्मीद ही कर सकते हैं, वी जस्ट होप दैट पीपल लव. अरे सर, वो दोनों डेटों के बीच में एक ऐसा भी डेट है ना, 9 और 10 फरवरी जब हम लोग जा रहे हैं बर्लिन. हाँ करेक्ट, जा रहे ना बर्लिन फिल्म फेस्टिवल तक तो पहुँच ही गए. तालियाँ. पहले तो बहुत बहुत मुबारक आपको, कंग्रेचुलेशन फॉर सिम्बा, 200 करोड़ आज ही. उसके बाद रणवीर, सोशल मीडिया पे वैसे तो ट्रेलर देख के जाहिर है कि यू आर प्लेइंग नेजी, और सोशल मीडिया पे थोड़ा कंफ्यूजन है कि नेजी आप प्ले कर रहे हैं तो डिवाइड को कौन प्ले कर रहा है? इज इट सिद्धांत हु इज डूइंग इट या क्या है? थोड़ा कैरेक्टर एकदम ओरिजिनल है और बाकी का जवाब मैडम देंगी. दिस इज नॉट अ बाइकला कल की कैटला. ओके, यस सर. व्हाट्स हर कैरेक्टर इन द फिल्म इफ यू कैन? शी प्लेज सम और मर्डर और सॉरी और फरियाद आलिया ने की है, सोही और खूनी आलिया है, पापी गुड़िया. Hi, this is Sohail here. You're on your left. Yes, sir. Congratulations on happy the Gully Boy, as a growing Gully Boy, Bandra ke Gully Boy hua. What were you really fond of when you were growing, and what were you famous as a Gully Boy? Koi memories ho jo share karna chahoge? But this film, is it like it will be very inspiring to the youth also? But hai definitely. How to do this? 100%. It's going to be. I mean, we hope will the youth to kind of. I made a story that inspired. क्या लगता है अपना time आएगा? तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर कैसे divine and easy help you with rap or rhythm and poetry? It's pretty deep and this I think is the first out and out film. We did rock on. You know there are so many genres in rock itself. How deep did you get into the whole rap culture, like the rap music bit, or have you kept for the audiences? Have you kept the rap bit simple? No, I mean there are different. All you need is a beat and your what you feel. Yeah. She's coming to it. कभी real life में अपने boyfriend की, but मैं दिमाग में शायद धुकतूंगी दूर से. कोई भी गुलू गुलू करे आलिया के बॉयफ्रेंड के साथ, किसकी मजा? रणवीर, मुझे ये जानना था कि आप पहले से डिवाइन के फैन थे, उनके रैप सुनते थे? जी हाँ, हाँ जी बिल्कुल. कौन सा फेवरेट रैप? जंगली शेर मेरे गली में और जंगली शेर मेरे फेवरेट.
तो देखा आप सभी ने किस तरीके से आलिया और रणवीर दे रहे हैं हर एक सवाल का बड़ी ही खूबसूरत तरीके से जवाब। वेल, कहीं ना कहीं इस मूवी की वजह से जितने भी रैपर्स थे जिन्हें एक खास पहचान नहीं मिल पा रही थी या फिर उन्हें लोग पहचान नहीं रहे थे, उनकी आवाज उनके रैप को नहीं पहचान पा रहे थे, अब उनके लिए काफी अच्छा कह सकते हैं प्लेटफॉर्म होने वाला है क्योंकि इसके थ्रू ही उन्हें काफी अच्छी तरीके से लोग पहचानेंगे और उनके रैप को भी सुनेंगे। वेल, डिवाइन पर बेस्ड है ये पूरी मूवी, उनकी कहानी कैसे रही, कितना स्ट्रगल करा और आज हर कोई डिवाइन को जानता है और इस मूवी के बाद लग रहा है कि हर कोई हर एक रैपर को भी पहचानेगा। वेल, इस मूवी का इंतजार हर किसी को रहेगा और साथ ही साथ जिस तरीके से प्रमोशंस हो रहे हैं उसके बाद देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्या मूवी बॉक्स ऑफिस पर चलेगी या फिर नहीं चलेगी। वेल, आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे किसी खास और इंटरेस्टिंग प्रोग्राम के साथ।